टुडे इज माय फर्स्ट बाइक पैकिंग ट्रिप। टाइम शायद कोई भी नहीं होता पटरी में, लेट्स सी कोई मिलेगा नहीं मिलेगा। ब्यूटीफुल, आई वांटेड दिस। 15 मिनट लगे हैं और आपका एक टाइम की डाइट रेडी है। तो गाइस ये कुछ एसेंशियल्स हैं जो आप कंसिडर कर सकते हैं व्हाइल योर फर्स्ट बाइक पैकिंग ट्रिप या फिर तो अगर आप रेगुलर ट्रिप्स करते हैं, और इन सब के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा। हेलो गाइस, वेलकम टू priyank.tv। टुडे इज माय फर्स्ट बाइक पैकिंग ट्रिप अराउंड यमुनानगर। ब्रिंजल बनाऊंगा और लेट्स सी कैसा जाता है सिचुएशन। होपफुली चाय भी बना पाए। सब कुछ रेडी है, ये बैग में रेडी है। ये बैग रेडी है। ऑलराइट, लेट्स सी। और वो मौके पहुँच जाते हैं, एक जगह रुकेंगे, फिर बीच में करेंगे सारी कलाकारियाँ। बीच और राइट, चल रहे हैं पटरी के अंदर, यमुना की पटरी पे पहुंच चुके हैं यहाँ पे। और टाइम हो रहा है 4:30-5 बजे के करीब, जहाँ इस टाइम से अब कोई भी नहीं होता पटरी में, लेट्स सी कोई मिलेगा नहीं मिलेगा। मादलपुर पे बसेरा लगाएंगे, लेट्स सी क्या होता है। सुबह के 4:45 AM and we are out. Check out the moon if you can see. If you're planning to do bike packing trip for the first time, मैं आपको recommend करूंगा कि आप एक बारी अपने सारे setup के साथ testing ride पे जरूर जाएं। इसमें आपको अंदाजा भी लग जाएगा कि क्या challenges आएंगे तुम्हारे बड़े ride पे। Wow. हम आदलपुर पहुंच गए हैं अभी, और ऑलमोस्ट टाइम कितना हुआ है, लेट्स सी 5:38 हो रहे हैं, और सही टाइमिंग है। अगले 15 मिनट में दिन भी आ जाएगा, थोड़ा सा ब्राइटनेस भी हो जाएगी थोड़ी देर में। तो आगे कहीं बैठते हैं, फिर चाय बनाते हैं। ऑलमोस्ट बुढ़िया पहुंच चुके हैं गाइस। मैं तो ये सोचता हूँ, डू समथिंग क्रिएटिव एवरी डे। हर रोज कुछ ना कुछ क्रिएटिव करो, प्रोडक्टिव करो, जिससे तुम्हें जीने का मजा आए। डू रिमेम्बर गाइस, डोंट लेट द नॉइस ऑफ अदर्स ओपिनियन ड्राउन आउट योर ओन इनर वॉइस। मतलब किसी की बात ना सुनो, जो अंदर से आपको करने का मन है वो कर डालो। ये जो मेरा स्पॉट था, यहाँ पे मैंने फर्स्ट हॉल्ट लिया। तो गाइस, कुछ चीज़ जो आपको याद रखनी है अपनी फर्स्ट बाइक पैकिंग ट्रिप के लिए। सबसे पहली बात है सेफ्टी। आप अपने घर से निकलें और किसी ना किसी को व्हाट्सएप पे लाइव लोकेशन सेंड कर दें। दूसरी बात ध्यान रखें, अपनी जेब में या अपने पॉकेट्स में या साइकिल के बैग में अपना ड्राइविंग लाइसेंस हो, तब के लिए अगर कोई इंसिडेंट हो जाता है तो बहुत काम आता है गाइस। तीसरी बात जो है वो है टूल्स। अपनी बाइक के सारे टूल्स साथ लेके चलें, और आपको पता भी होना चाहिए वो टूल्स कैसे यूज करते हैं। तो गाइस, जब भी आप बैग सेलेक्ट करें अपने बाइक पैकिंग ट्रिप के लिए, याद रखें कि वो 100% वाटरप्रूफ होना चाहिए, बहुत काम आता है। अगर आप लंबी जर्नी कर रहे हैं तो वेदर जरूर देख के जाएं, और साथ में टेंट जरूर लेके जाएं। ये मेरा शॉर्ट ट्रिप था, टेस्टिंग ट्रिप था, तो मैं कई चीज़ें एनालाइज कर रहा था, और ये वीडियो बहुत पुराना है, ऑलमोस्ट इसको 2 साल से ऊपर हो चुका है गाइस।
स्लीपिंग बैग भी लेके जा सकते हैं आप, बहुत ही काम आता है गाइस ये। बाकी चीजें आपको बताने की जरूरत नहीं है, पावर बैंक और ये सब चीजें जो आपके फोन को चार्ज करके रखें, आपके कैमरे को चार्ज कर रखें अगर आप कैमरा भी यूज कर रहे हैं। क्लोथिंग का बड़ा ध्यान दें गाइस, क्योंकि लंबी राइड में आपको पता ही है बैठ बैठ के क्या दर्द होता है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं कुकवेयर की। अगर आपको कुछ बनाना है गरम करने के लिए, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है इन चीज़ों का, अगर आपको वो बाय करना है तो आप वो भी देख सकते हैं। बट मैं कहूँगा आप अपनी बाइक पैकिंग ट्रिप के लिए अपने आप ही सारी चीज़ें इकट्ठी करें और रिसर्च करें, जो कि बहुत ही ज़रूरी होता है। रिसर्च के बिना आप कभी कहीं ना जाएं। Have a sip, guys. Have a sip. क्या सीन था भाइयों, ये स्पॉट पे मैं रुका था, क्या सीन है देख लो भाइयों। मौसम ना बारिश पड़ेगी ना धूप होएगी ज़्यादा, ना ज़्यादा हवा है, ह्यूमिडिटी है थोड़ी। ये स्पॉट पे हमने सूप बनाया और चाय बनाने की सोची थी, दूध नहीं था और कुछ खुला भी नहीं था तो दूध लेने के लिए, बाकी जो बैकपैकिंग पे आ रहा है वो दूध लेके आया अपना। तो ये स्पॉट है दोस्तों, ये वेस्टर्न पोल है और ये ब्रिटिशर्स द्वारा बनाया गया था। उसी के बिल्कुल सामने मेरा मन किया कि यहाँ पे मैं कॉफ़ी इंजॉय करूँ, चाय इंजॉय करूँ और सूप इंजॉय करूँ। अब चलो आगे चलते हैं, कुछ खाने पीने का इंतजाम करेंगे, कोई अच्छी सी स्पॉट मिलेगी तो चलेंगे। इस ट्रेल पे चलेंगे, बंदर हैं इस ट्रेल पे बहुत ज़्यादा, बट लेट्स सी। पूरी वानर सेना बैठी है आगे, और थोड़ा सा आगे और दिखा के लाऊंगा, देखी जाएगी जो होगा। और उसके आगे मेरे ख्याल से कुछ पंछी बैठ रखे हैं। ओह माय गॉड, चेक दिस आउट, ब्यूटीफुल 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 एनवायरनमेंट, ब्यूटीफुल थिंग्स, feel so beautiful that I am in front of nature and बिल्कुल wild। कितने सारे बंदर थे भाई, पूरी फैमिली है, पूरा कस्बा क्या आगे देखो। ये पता नहीं तुम्हें नज़र आ रहे होंगे नहीं आ रहे होंगे, ये है पीकॉक, मेल भी हैं फीमेल भी हैं। ब्यूटिफुल, आई वॉन्टेड दिस शॉट, वाओ वाओ, लुक एट दैट, लुक एट दैट। देखा था तुमने, पता नहीं दिखा होगा या तुम्हें नहीं दिखा होगा, पर मैं जूम करके फोकस पे जरूर आऊँगा उसके। और मुझे लगता है कि यहाँ तो ठीक नहीं रहेगा खाना बनाना, यहाँ तो बहुत बंदर हैं, मुझे बनाने नहीं देंगे और आई विल बी ग्लिचिंग, मैं बार बार ग्लिच करूँगा कि बंदर तो नहीं आया, बंदर तो नहीं आया। तो आगे नेक्स्ट फैमिली देखते हैं ये कैसी है। वहाँ पे वो बच्चों के साथ भी थी फैमिली, बट बड़ी पीसफुल थी। लेट्स सी, देखो मेरी तरफ तो दो बढ़ रहे हैं, लेट्स सी। ये फैमिली ह्यूमन पे ऑलमोस्ट निर्भर हैं और ये इनको फूड के लिए मैं कुछ भी बोली यार, कि मैं डर लग रहा था थोड़ा सा कि खाना जाए, खाएंगे तो नहीं है बट पीछे पड़ते तो भाई मेरे फ्रेंड के पड़ा हुआ है, उसकी जो स्टोरी थी ना रोंगटे खड़े करने वाली थी। चलो एनीवेज बच गए,
आगे चलते हैं, कोई स्पॉट ढूंढते हैं जहाँ बंदर ना हो। ये पीछे ही पड़ जाता है। तो अभी मैं यहाँ से दर्शन करके अब अपनी साइकिल उठाऊँगा। कुछ भाई दोस्त आए हैं यहाँ पे कल एक मेला था जिसमें बहुत लोग आए थे आसपास गांव के। और यहाँ भी देखो कुछ मेले का सामान है खरीदने का। और ये दादूपुर, ये बाबा जी और ये साइकिल। अब चलेंगे यहाँ से। चाहे कुछ भी हो, कैसी भी मुश्किलें आए, ये याद रखना है आपने एंजॉय करना नहीं भूलना गाइस। एंजॉय करो ट्रिप को, आनंद लो, एक्सपीरियंस करो। आई वुड से आई डोंट राइड अ बाइक टू ऐड डेज टू माय लाइफ, आई राइड अ बाइक टू ऐड लाइफ टू माय डेज। तो दोस्तों एंजॉय करो उस मोमेंट को जिस मोमेंट पे आप वो चीज एक्सपीरियंस कर रहे हो और कुछ ना सोचो। भाई भी है, भाई को भी टेस्ट कराएंगे ये स्वादिष्ट बैंगन। जब भी आप कहीं की भी जर्नी कर रहे हैं गाइस, आप 1% भी ना सोचें किसी और से बात करने के लिए। आप एक्सपीरियंस करने गए हैं, बाहर मिलो लोगों से, बातें करो, लोकल से पता करो आसपास की चीजों के बारे में, और अच्छे पॉइंट्स ढूंढो और अच्छे स्पॉट्स ढूंढो और वहां जाओ एक्सप्लोर करो। वो कहते हैं ना, माई ग्रेटेस्ट फियर इज नॉट लिविंग माई लाइफ। अपनी लाइफ को, मौके को एंजॉय करो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम उस चीज को बाद में रिग्रेट कर रहे हो। तो मौके को पूरा ही जी लो, क्योंकि लाइफ इज शॉर्ट एंड द वर्ल्ड इज वाइड गाइस। अगर आपने भी अपनी बाइक पैकिंग ट्रिप कर रखी है या फिर तो आपने फर्स्ट टाइम करने की सोच रहे हो, तो कमेंट जरूर करके बताएं आप कब जाएंगे। एक बात और बताना चाहूंगा गाइस, अगर आप सोच रहे हो कि मैं आज ही जर्नी कर लूं अपनी, तो आप आज भी निकल सकते हो। बट ये ध्यान रखना है, आपने ज्यादा लंबी जर्नी नहीं करनी है। अपनी छोटी जर्नी करो, उसको एक्सपीरियंस करो, धीरे धीरे अपना सेटअप तैयार करो, आप फिर भी निकल सकते हो। और भी कई चीजें हैं जो कि चाहिए होती हैं, फर्स्ट एड, ट्राउजर्स, सॉक्स, फूड, ड्राई फ्रूट्स, वाटर बॉटल, बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं गाइस। तो अपनी रिसर्च करें अच्छी तरह, अपनी लिस्ट प्रिपेयर करें, व्हाट मैक्सिमम थिंग्स यू वांट, अपनी मेडिसिन, हर एक चीज के बारे में सोचें और फिर अपनी जर्नी स्टार्ट करें अगर आपने अपनी लंबी जर्नी करनी है। सुनी नहीं यहाँ बात, बाप बहुत तेज है, भाई जा रहा है। देखो मैं तो बंदर की वजह से नहीं गया, वो बंदर यहाँ पे हमारे खाने की तरफ रेडी है। आपका सिलेंडर बढ़ गया है, आपका सिलेंडर बढ़िया है, बढ़िया ना। ये साइकिल के टाइम कुछ खाने का मन किया। दोस्त ने यही मिला था आज हमारी जर्नी में। ये बैंगन एक ज्यादा मोटा कट गया। आओ ना तभी तो ये, अब आप मौके पे पहुंचे हो तो क्या। अरे मैं क्या आपको प्रधान नगर में इसलिए ऊपर आया। नहीं 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 यार, मैंने तो आपको पहले ही इनवाइट किया है। कई दफे ना ऐसे मान लो आते हैं। हाँ बिल्कुल, एकदम बीच में। बहुत ब्यूटीफुल, लाजवाब। सिर्फ 15 मिनट लगे हैं और आपका एक टाइम की डाइट रेडी है। तो मैं लोगों को कहूँगा कि घूमने जाओ एक सिटी से दूसरी सिटी, दूसरी सिटी से तीसरी सिटी, अपना छोटा मोटा 2000 का सामान रेडी रखो और बस घूमो जितना घूमना है। ये देखिए दादूपुर के सीन है, यहाँ पे ये मंदिर है और ये हमारे साथ भैया बैठे हैं।
जो कि फिशरमैन है। लो भैया एक टेस्ट करना, थोड़ा सा गरम गरम ना करना ध्यान से। बहुत अच्छा है भैया। का नाम क्या है? राहुल कुमार जी हैं। कभी मिले तो हेलो हाय जरूर करना। भाई को अच्छा नहीं लगा। आप मेरी और भी वीडियोस देख सकते हैं। मैं ट्रेवल और एडवेंचर वीडियोस करता रहता हूं। अभी मैं होम ऑन व्हील सीरीज की वीडियोस कर रहा हूं। आप जरूर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं होम ऑन व्हील सीरीज की वीडियोस, जिसमें मैंने मनाली, अटल टनल, केलोंग, जिस्पा, झांस्कर, उत्तराखंड, ऋषिकेश, मोरी, ये सारी चीजें मैंने कवर करी है। आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं। Alright guys, I hope कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला होगा। अगर आपने कुछ भी सीखा है इस वीडियो में नया, तो कमेंट करके बताएं आपने क्या सीखा है। और अगर आपको कोई टिप्स और रिकमेंडेशन देनी है फर्स्ट टाइम राइडर्स के लिए, तो प्लीज कमेंट करके बताएं। अगर आप नए हैं चैनल पे, तो चैनल को अभी ही सब्सक्राइब कर लें गाइस, लाइक कर दें वीडियो और शेयर करें उसके साथ जो कि फर्स्ट बाइक पैकिंग ट्रिप के लिए सोच रहा है। आखिर में मैं यही कहना चाहूंगा, खुश रहो, मस्त रहो, ऊपर वाले के भक्त रहो। जय भोले की।